शहडोल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में प्रत्याशी प्रचार प्रसार तेजी से कर रहे हैं। शहडोल के वार्ड क्रमांक 7 की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी नीलम सिंह मरावी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही जनता की समस्याएं सुनकर मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आए हैं। वहीं प्रत्याशी नीलम सिंह को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने प्रत्याशी नीलम सिंह मरावी से खास बातचीत की है। पहुंच चुके हैं शहडोल जिला पंचायत के क्षेत्र वार्ड क्रमांक 7 में, जहां से नीलम सिंह मरावी जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं और काफी पुरानी राजनीतिज्ञ रह चुकी हैं और इसके पहले ये जनपद अध्यक्ष भी रही हैं, काफी तजुर्बा है इनको। अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है, कार्य क्षेत्र निश्चित रूप से थोड़ी बड़ा हो रहा है, तो क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेके आप ये चुनाव लड़ रही हैं? जैसे क्षेत्र में काफी मुद्दे होते हैं, जैसे रोड, सड़क, नाली, कोई भी निर्माण कार्य हो जो विकास की ओर, तो उस इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव पे उतरी हूँ जिला पंचायत साथ से। और हम मैं चाहती हूँ घर घर जाऊँ और विकास ये शासन की योजना का उनका लाभ दिलाऊँ। तो क्या लगता है, काफी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब क्या है, मैं तो लड़ रही हूँ, प्रचार भी कर रही हूँ, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब ऊपर वाले जाने क्या होता है आगे, क्योंकि सभी प्रत्याशी सभी अपना अपना लेके जाएंगे, विकास की बातें करेंगे। और ये है कि मैं अपने कार्यकाल जनपद अध्यक्ष रही, उस समय कार्यकाल मेरा जैसे विकास की मुद्दा हर क्षेत्र में मेरा ये हमेशा प्रयास रहा कि मैं उन तक पहुंचूं और उनको विकास जो भी हो शासन की योजना का लाभ दिलाऊं, इसी के साथ मैं जिला पंचायत में चुनाव मतलब अपने द्वारा किए गए कामों के दम पर आप चुनाव लड़ रही हैं। और जिस तरह से आपने जनपद अध्यक्ष रहते हुए कार्य किया है, योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, अब यहां जिला पंचायत में भी क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश रहेगी आपकी? जी, क्षेत्र के जनता से भी आप लोग के सामने आप पत्रकार सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप लोग भी मेरा सहयोग करिए। और मैं हर इस वार्ड क्रमांक 7 के पूरे सभी जनता मतगण मतदाता भाइयों से चाहूंगी कि वो मेरा सहयोग करें, साथ में मुझे इस जिला पंचायत में अपना वोट दें। ये पूरा क्षेत्र आपका घूमा है, कुछ मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं लगती, क्या सुधार होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पे आप क्या कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे जो गोपारू ब्लॉक में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ लाइट क्षेत्र में लाइट की कमी है जी। और ऐसे गांव है जहाँ बिजली पानी की समस्या जा रही है, तो अपन इस मुद्दा को लेकर भी इस क्षेत्र में जिला पंचायत में आकर हम प्रयास करेंगे कि इनको पूरा कर सके। अच्छा अच्छा जी। सबसे ज्यादा तो अभी यही सर कि बहुत हमारे जो यहाँ पे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है जैसे, तो विकास से वंचित हैं और हम उस क्षेत्र तक पहुंचकर उन तक पहुंच के शासन के योजना का लाभ दिलाएंगे। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की संभागीय अध्यक्ष भी हैं अभी वर्तमान में, तो सदस्य हैं आप, तो क्या आपको सहयोग मिल रहा है अपने? जी, पूरा सामाजिक जो हमारा यहाँ पे चल रहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जी, सभी लोग मेरा सहयोग है और मेरे साथ खड़े हुए हैं। मतलब सभी हर तबके के लोग आपके साथ में हैं, हर वर्ग तो, के लोग मेरे जी, साथ जी, जी, हैं। तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप जिला पंचायत सदस्य बनेंगी और अपने इस क्षेत्र की सेवा करेंगी, ऐसा विश्वास अपन मान लें। जी जी, चलिए, आप क्या है, आप क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करती हूँ, वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, मैं तो उनके विश्वास से खरा उतरना चाहूंगी जी। इसी के साथ तो भाई अब क्या कहूँ। आपके क्षेत्र में शिक्षा और बेरोजगारी जो है वो, उसकी क्या स्थिति है, अगर उसको सुधार करने के लिए क्या कार्य योजना है आपकी? हमारे इस ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा की बहुत पोजीशन बहुत वो है, क्योंकि यहाँ संस्था स्कूल तो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे शिक्षक की कमी है जो, जिसके कारण हमारे बच्चे बहुत शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी भी, तो ये हम शासन से मांग करेंगे कि वो यहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि हमारे जो यहाँ बेरोजगार लड़के बच्चे हैं प्रॉपर पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसे जाएंगे, है ना। और कुछ बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ क्या कार्य योजना रहेगी बेरोजगारी के लिए? तो देखिए, अपन
जब भी पढ़े लिखे युवक हमसे मिलते हैं तो वो दीदी केवल मुझे आगे बढ़ाने का, वो लोग मेरे साथ हैं, वो कहते हैं दीदी आप कल से आगे जाइए ताकि हमारे लिए कुछ विचार करें, और हम चाहेंगे कि हमारी जहाँ तक पकड़ होगी हम उनका साथ देंगे ताकि उनकी बेरोजगारी जो है पढ़े लिखे लड़कों की दूर हो सके। इस समय हम